नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में वो कौन सी कला है जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे यूज करके आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं? वो कला है लोगों से व्यवहार करने की कला, मीन्स हाउ टू डील विद पीपल। और इसी लोक व्यवहार में माहिर बनने के लिए लगातार 15 साल रिसर्च करने के बाद डेल कार्नेगी ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यह किताब लिखी है। यह आज तक वर्ल्ड की लगातार बेस्ट सेलर पुस्तक बनी हुई है। इस पुस्तक को हल्के में लेने की गलती मत करना। यह किताब किसी के भी जीवन को बदल सकती है और आपकी वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। आप दोस्त बनाने और उन पर प्रभाव जमाने की कला में माहिर हो जाएंगे। लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक सीख जाएंगे। लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे और आपकी वैल्यू करने लगेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक के द्वारा आप सीखेंगे कि लोगों से काम कैसे कराया जाए, कैसे नायक बनकर लोगों में द्वेष पैदा किए बिना उन्हें बदला जाए और उन्हें जल्दी दोस्त बनाया जाए। इस पुस्तक में दिए गए पॉइंट्स को जानकर और उन पर अमल कर आप किसी को भी चुटकियों में अपना दीवाना बना सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से अंत तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। एंड्रयू कार्नेगी ने हर साल $1 मिलियन या हर दिन $3,000 से ज्यादा अपने मैनेजर चार्ल्स श्वाब को सैलरी के रूप में दिया। क्यों? क्योंकि श्वाब एक जीनियस थे? नहीं, क्योंकि वे स्टील के निर्माण के बारे में बाकी लोगों से ज्यादा जानते थे? बिल्कुल नहीं। चार्ल्स श्वाब ने खुद कहा था कि उनके नीचे काम करने वाले लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानते थे। तो फिर चार्ल्स श्वाब को इतनी ज्यादा सैलरी मिलने का कारण क्या था? तो जवाब है, उनकी लोगों के साथ सही व्यवहार करने की क्षमता। उनसे पूछा गया कि वे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वह उनके ही शब्दों में यहां बता रहा हूं। वे शब्द जिन्हें तांबे की तख्ती पर खुदवाकर हर घर, स्कूल, दुकान और ऑफिस में टांगा जाना चाहिए। वे शब्द जिन्हें सबको याद करना चाहिए। वे शब्द जिन्हें अपनाने पर आप और हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उनके शब्द थे, मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उत्साह और जोश पैदा कर सकता हूं, उनको मोटिवेट कर सकता हूं। मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है कि मैं तारीफ और प्रोत्साहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूं। सीनियर लोगों द्वारा की गई आलोचना किसी भी इंसान की महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूं, जोश पैदा करता हूं। मैं प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से दूर रहता हूं। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूं और यही मेरी सफलता का राज है। ये ऊपर के 2-3 सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार समझ में ना आए तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। ये चार्ल्स श्वाब करते थे, लेकिन औसत लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा। उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वे अपने जूनियर पर बरस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पसंद आए तो चुप रह जाते हैं। इससे एक पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा। मैंने 2 बार सही काम किया पर उस बारे में कभी नहीं सुना। अब आपको एक हैरान करने वाला तथ्य बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों पर एक अध्ययन किया गया तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे जरूरी कारण क्या पता लगा होगा? क्या वह कारण पैसे की कमी था, विश्वास की कमी था? नहीं, वह था तारीफ का अभाव। और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाले पतियों पर अगर कोई अध्ययन हो तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा। हम अपने जीवन साथियों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उनकी कभी खुलकर और सच्चे दिल से तारीफ ही नहीं करते। लोगों को चोट पहुंचाने से उनमें कभी अच्छा बदलाव नहीं आता। अमेरिका में सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले व्यक्ति राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस भी इंसान से मैं मिलता हूं वह मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है। जब यह इमर्सन के बारे में सही था तो क्या मेरे और आपके बारे में 1000 गुना सही नहीं होगा? अपनी सफलताओं और अच्छाइयों के बारे में सोचना बंद करें। चलिए यह पता लगाएं कि दूसरे इंसान में क्या अच्छा है। सच्ची और ईमानदारी से तारीफ कीजिए, दिल खोलकर तारीफ कीजिए, उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को अपने दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिंदगी भर याद रखेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाएं। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। पॉइंट नंबर 2, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन पर हुई बातों पर लंबी रिसर्च की यह जानने के लिए कि किस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने सही अनुमान लगाया, जवाब है मैं। 500 फोन वार्तालापों में यह 3900 बार इस्तेमाल हुआ। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी ऐसे ग्रुप फोटोग्राफ में जिसमें आप भी हैं, सबसे पहले आप किसकी फोटो देखते हैं?
मुझे पता है आप जवाब क्या देने वाले हैं। जवाब है मेरी खुद की। आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो पूरी जिंदगी दूसरों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने में या दूसरों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश में लगा देते हैं, पर यह काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी आप में रुचि नहीं है, उनकी मुझ में भी रुचि नहीं है, उनकी तो खुद में रुचि है, सुबह दोपहर और रात। तो हमें करना क्या है? जवाब है लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो जब भी आप लोगों से मिले तो उनका उत्साह और प्रेम से अभिवादन करें। किसी से फोन पर बात करते समय यही मनोविज्ञान इस्तेमाल करें। इतने प्यार से हेलो बोले कि फोन पर बात कर रहे इंसान को लगे कि आप उससे बात करके कितना खुश हैं। कॉल करने वाले को महसूस होगा कि आप उसकी कितनी कद्र करते हैं। अगली बार फोन पर जवाब देते समय इस बात को जरूर याद रखें। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से न सिर्फ दोस्त बनते हैं बल्कि आपकी कंपनी के प्रति ग्राहकों में वफादारी भी आती है। याद रखें, आप 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों में दिल से दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में बना सकते हो। मुझे फिर से दोहराने दो, तुम 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों में दिल से दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में बना सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताया है, 2 बार सुनने से भी समझ ना आए तो बैक जाकर फिर से सुन लेना। तो दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। पॉइंट नंबर 3, जब भी किसी से मिले मुस्कान के साथ मिले। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में एक लेडी आई थी जिसे विरासत में ढेर सारी संपत्ति मिली थी। सभी लोगों पर वह अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उत्सुक थी। उसने हीरे मोतियों और आभूषणों पर ढेर सारे पैसे खर्च किए थे, पर उसने अपने चेहरे के लिए कुछ नहीं किया था। क्या उसने अपने चेहरे का मेकअप नहीं किया था? किया था, तो फिर चेहरे पर कमी किस बात की थी? कमी थी सिर्फ मुस्कान की। उसके चेहरे से कड़वापन और घमंड का भाव झलक रहा था। उसे एक साधारण सी बात पता नहीं थी कि चेहरे पर आने वाला भाव शरीर के कपड़ों से ज्यादा महत्व रखता है। एक बार की बात है, अमेरिका के एक पशु चिकित्सक डॉक्टर स्टीफन के स्प्रॉल का वेटिंग रूम ऐसे लोगों से भरा था जो अपने पालतू पशुओं को टीका लगवाने आए हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और सभी उन कामों के बारे में सोच रहे थे जो वे करते अगर उन्हें यहां अपना वक्त बर्बाद करना नहीं पड़ता। तकरीबन 6 या 7 लोग इंतजार कर रहे थे, तभी एक युवा स्त्री 9 महीने के बच्चे और एक बिल्ली के बच्चे को लेकर आई। वह एक ऐसे सज्जन के पास बैठी जो इंतजार करते करते काफी थके हुए लग रहे थे। तभी उस बच्चे ने उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान से देखा, जैसी मुस्कान बच्चों के चेहरे पर पाई जाती है। उस सज्जन ने क्या किया? वही जो हम या आप करेंगे, वापस मुस्कराए। उन्होंने उस स्त्री से उसके बच्चे और अपने पोते पोतियों के बारे में बात शुरू कर दी और तुरंत पूरा वेटिंग रूम इस बातचीत में शामिल हो गया। कमरे का सारा तनाव और बोरियत एक मजेदार अनुभव में बदल गया। यह सब किस वजह से हुआ? सिर्फ एक मुस्कान की वजह से, एक झूठी मुस्कान नहीं। मैं असली मुस्कान के बारे में बात कर रहा हूं जो दिल से निकलती है। प्राचीन चीन के लोग दुनियादारी में बुद्धिमान थे। उनकी एक कहावत है जो हमें लिखकर अपनी टोपी पर चिपका लेनी चाहिए। वह कहावत है, जिसके चेहरे पर मुस्कान ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कान आपके भले दिल का संदेश लाती है। आपकी मुस्कान इसे देखने वालों की जिंदगी में चमक लाती है। जिस इंसान ने दर्जनों रुखे चेहरे देखे हों, उसके लिए आपकी मुस्कान बादलों के बीच सूर्य जैसी है। ये लेने वालों को अमीर करती है और देने वालों को गरीब नहीं करती। ये एक पल में घटती है और इसकी याद कभी कभी जिंदगी भर रहती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बिना उसका काम चल जाए और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदों से थोड़ा अमीर ना हो जाए। ये घरों में खुशियां लाती हैं, बिजनेस में अच्छी नीयत लाती है। ये थके हुए के लिए आराम है, हतोत्साहित के लिए रोशनी है, उदास के लिए सूरज की किरण है और संकट में नेचर की सबसे बड़ी दवा है। इसे फिर भी खरीदा नहीं जा सकता है, न मांगा जा सकता है, न उधार में दिया जा सकता है और न चुराया जा सकता है, और यह तब तक काम नहीं आती जब तक किसी को दी ना जाए। जी हाँ, मुस्कान। तो पॉइंट नंबर 3 जो आपको याद रखना है वो है, जब भी किसी से मिले मुस्कान के साथ मिले। पॉइंट नंबर 4, दूसरे इंसान की पसंद को समझे। लेखक बताते हैं, मैं अक्सर गर्मियों के दौरान मछलियां पकड़ने जाता था। वैसे मुझे निजी तौर पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाने का शौक है, लेकिन मैंने देखा कि मछलियों को कीड़े ज्यादा पसंद हैं। इसलिए मछलियां पकड़ने जाते समय मैंने यह नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि मैंने यह सोचा कि उन्हें क्या पसंद है। मैंने मछली पकड़ने के हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाई, इसके बजाय मैंने मछली के सामने हुक में कीड़ा या टिड्डा लगाया। मुद्दे की बात यह है कि लोगों से दोस्ती करने जाते समय यही कॉमन सेंस क्यों ना लगाया जाए? अपनी पसंद के बारे में क्यों बात की जाए? ये बचपना है, बेवकूफी है। आपकी रुचि इसमें है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इसमें और किसी की रुचि नहीं है।
हम सभी आपके जैसे ही हैं। हमारी रुचि इसमें है कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए धरती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है उनकी पसंद या चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका दिखाया जाए। उदाहरण के लिए, एक दिन राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को चारागाह में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोचने की गलती कर रहे थे। इमर्सन ने धक्का दिया, उनके बेटे ने खींचा, लेकिन बछड़ा टस से मस ना हुआ। बछड़ा सिर्फ वही कर रहा था जो वह खुद चाहता था, इसीलिए उसने अपने पैर जमा लिए और निकलने से इनकार कर दिया। तभी एक आयरिश नौकरानी ने यह हालत देखी। वह निबंध और किताबें तो नहीं लिख सकती थी, पर कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बछड़े की ज्यादा समझ थी। उसने समझ लिया कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाली और उसे चूसने दिया। फिर वह धीमे धीमे चारागाह की तरफ बढ़ने लगी और बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चारागाह में पहुंच गया। तो हमारे लिए लेसन क्या है? जब भी किसी से मिले तो हमेशा दूसरे इंसान की दिलचस्पी के हिसाब से बात करें। याद रखिए, पहले दूसरे इंसान की पसंद को समझें। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया चलती है, और जो ये नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। तो फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, दूसरे इंसान की पसंद को समझें। पॉइंट नंबर 5, लोगों का नाम याद रखें और उनको उनके नाम से बुलाएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे सुरीली आवाज कौन सी है? दिमाग पर जोर देकर सोचिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। सोच लिया? किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे सुरीली आवाज है उसका खुद का नाम। जी हाँ, उसका खुद का नाम। एक लड़का था जिम फार्ले। उसने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उसने कभी हाई स्कूल को अंदर से नहीं देखा। जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, उसने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि 46 साल का होने से पहले उसे 4 कॉलेजों ने डिग्री से सम्मानित किया और वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी एंड पोस्टमास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का चेयरमैन बन गया। लेखक डेल कार्नेगी ने एक बार जिम फार्ले का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का राज पूछा। तब उन्होंने लेखक से पूछा कि मेरे हिसाब से उनकी सफलता का राज क्या है। लेखक ने जवाब दिया, मुझे लगता है आपके पास लोगों के नाम याद रखने की जादुई कला है। आप 10,000 लोगों को उनके नाम से पुकार सकते हैं। जिम फार्ले ने कहा, नहीं, आप गलत हैं। मैं 50,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूं। इस बारे में कोई गलती मत कीजिए। अपनी इसी काबिलियत के कारण मिस्टर फार्ले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को व्हाइट हाउस पहुंचने में मदद की। जब वे सन 1932 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का कैंपेन कर रहे थे, जिम फार्ले ने जिंदगी की शुरुआत में ही जान लिया था कि एक सामान्य इंसान पूरी दुनिया के सभी लोगों के नामों से ज्यादा अपने नाम में रुचि रखता है। आप उस नाम को याद रखकर और उसे बुलाकर उस इंसान को बड़ी बारीकी से इज्जत दे सकते हैं और उसके दिल में एक अलग जगह बना सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सुरीली आवाज है। तो पॉइंट नंबर 5 जो हमें याद रखना है वह है, लोगों का नाम याद रखें और उनको उनके नाम से बुलाएं। पॉइंट नंबर 6, ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें। एक बार लेखक न्यूयॉर्क पोस्ट ऑफिस में पत्र रजिस्टर करने की लाइन में खड़ा था। मैंने देखा कि क्लर्क अपने काम से बोर हो चुका था। लिफाफों का वजन करना, स्टैंप देना, बदलाव करना, रसीद देना, वही काम जो साल दर साल वह करता आ रहा था। इसलिए मैंने अपने आप से कहा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे यह क्लर्क मुझे पसंद करेगा। जाहिर बात है, उसे पसंद आने के लिए मुझे अपने बारे में नहीं, उसके बारे में कुछ अच्छा कहना चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप से पूछा, इस इंसान में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्चाई से तारीफ कर सकता हूं। कई बार इस सवाल का जवाब खोजना मुश्किल होता है, खासकर अजनबियों के मामले में, पर इस मामले में यह आसान था। मैंने ऐसा कुछ देखा जिसकी मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। इसलिए जब वह लिफाफे का वजन ले रहा था, मैंने उत्साह से कहा, मेरी इच्छा होती है कि मेरे आपके जैसे बाल होते। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और होंठों पर मुस्कान थी। अब तो ये पहले जैसे नहीं रहे, उसने विनम्रता से कहा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि भले ही इनमें पहले वाली बात ना हो, पर ये अब भी बेहतरीन है। उसे काफी खुशी हुई। हमने थोड़ी देर तक बातचीत की, फिर उसने अंतिम बात कही, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। सच्ची बात तो यह है कि जितने लोगों से आप मिलते हैं, वे अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में बेहतर समझते हैं, और उनका दिल जीतने का तरीका है कि किसी न किसी सूक्ष्म तरीके से आप उन्हें उनका महत्व महसूस कराएं और इसे सच्चाई से स्वीकार करें। इमर्सन ने क्या कहा था, मुझसे मिलने वाला हर इंसान मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर है, मैं उससे उस मामले में सीखता हूं। ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे चतुर लोगों में से एक डिजराइली ने कहा था, लोगों से उनके बारे में बातें करो और वे घंटों तक सुनते रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 के शुरुआत में आपसे पूछा था कि ऐसा क्या करें
कि लोग आपको पसंद करें, तो जवाब है सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चाई से करें। पॉइंट नंबर 7, तारीफ सबके सामने करें और गलतियां अकेले में बताएं। एक वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर से काफी तीखे सवाल पूछ रहा था। उसके बात करने का ढंग आक्रामक था और उसका लक्ष्य सुपरवाइजर के काम में गलतियां दिखाना था। अपने सहकर्मियों के बीच अपमानित होने से बचने के लिए सुपरवाइजर अपना बचाव कर रहा था। इस कारण से वाइस प्रेसिडेंट ने अपना आपा खो दिया। उसने सुपरवाइजर को सबके सामने डांटा और उस पर झूठ बोलने का दोष लगा के उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस घटना के पहले जो भी आपसी रिश्ते थे वे कुछ पलों में खत्म हो गए। ये सुपरवाइजर जो अच्छा काम करता था उस समय से हमारी कंपनी के लिए नाकारा हो गया। कुछ महीने बाद उसने हमारी फर्म छोड़ दी, हमारे प्रतियोगी के लिए काम करने लगा और वह वहां अच्छा काम कर रहा है। अगर हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत है तो हम दूसरे इंसान की इज्जत खराब करके उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक एंटोइन एक्सुपेरी ने लिखा है, मुझे ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है जिससे कोई इंसान अपनी नजरों में गिर जाए। किसी इंसान की गरिमा को चोट पहुंचाना एक अपराध है। हमेशा याद रखें, छोटी से छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर बेहतरीन काम की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। तो पॉइंट नंबर 7 जो हमें याद रखना है वो है, तारीफ सबके सामने करें और गलतियां अकेले में बताएं। दोस्तों, ये बुक इतनी बढ़िया है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए ताकि इस बुक का कंटेंट हमारे दिल और दिमाग की गहराई में पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।